Hello friends, welcome to my channel. Yes, I can do it, Manish. दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पटवार परीक के लिए आपके सामने जनरल साइंस पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, तो पहले 4-5 दिन हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं. नॉर्मली जो क्वेश्चन है हमारी SSC और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और फिर हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे. जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, हाशिए गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O. जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है. एक प्रवर्तक उपकरण है डायोड. एक कोशिकीय परजीवी कौन है आइड्रा. किस अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रक्त दाब के उपचार के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है, सर्पगंधा का. ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, CO2 गैस को. रजतीय पेटों में मौजूद मुख्य घटक कौन सा है, सफेद सीसा. एक अधातु जो द्रव्य के रूप में पाई जाती है, ब्रोमीन. माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित होता है अर्धधारा का सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में. फ्यूज एक मिश्र धातु है टिन में लेड का. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. विशालतम एकशेरुकी है मोलस्का. जीवित जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है. कौन सी वास्तविक मछली है, डॉगफिश. एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है DNA द्वारा. आयोडीन घोल का प्रमुख किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है, शर्करा के. लिंग हार्मोन स्टेरॉइड होता है. श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न ATP से होती है. पेट्रोल का अपस्फोट रोधी लेट ट्रेट्रा एथिल होता है. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. कौन सा प्राइमेट आधुनिक मानव से निकटतम है, चिंपेंजी. किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण अंडाणु के निषेचन के समय होता है. सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए. सुपोषण किस से संबंधित है, नाइट्रेट में फॉस्फेट. अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन में जर्मेनियम है. आगे वाले क्वेश्चन देखिए, रंगाई के स्थापक के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रोमियम लवण. सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है. अफीम एक पौधे की उपज है, इसे किससे प्राप्त करते हैं, शुष्कित लेटेक्स के द्वारा. वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं. सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है, 25 सेमी. यही क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए. गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति कारण होता है, केरोटीन. यह भी पूछा गया. जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का. जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है, दृढ़ पटल. ईलियम किसका भाग है, श्रोणी मेखला का. पत्तियों के वह छिद्र क्या कहलाते हैं जो समय समय पर द्रव्य का रिसाव करते हैं, स्टोमेटा. किसी मृतकाय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, जो उसके तांत्रिक के जो कार्य होते हैं वो सही होने चाहिए. वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, अपचयन विधि. ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप हो चुका है. किसी वात्य भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4. ये भी क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जामों में. काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग को. ग्लाइकोजन स्टार्च में सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं. वे वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाइनिन. यही क्वेश्चन भी आया हुआ है. विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक की किसे उत्पन्न होता है, पेनिसिलिया. खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्यों. इसका कारण है पीले की अपेक्षा लाल में उष्ण कम होते हैं, अतः लाल काफी दूर से भी दिखाई देता है. यही क्वेश्चन भी 2-3 बार पुटअप हो चुका है. तो मैं आपके सामने ये जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये मदर्स क्लासेज की टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही लाभदायी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो प्लीज इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. धन्यवाद दोस्तों.